अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल बेस्ट इन्फो कारिया बहुशामदेर। सर वीडियो बहुत अहम है, देखने के काबिल है। अमूमन गाड़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, साइकिल हो गए, मोटर बाइक्स हो गई, कारें होगी, ट्रक होगी, तो उनमें ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं। कुछ चीज़ें ट्यूबलेस होती हैं, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में टायरों में ट्यूब वगैरह इस्तेमाल की जाती है। पंचर लगते हैं, आपने देखे होंगे, ये बच्चा काम कर रहा है, असल में ये पंचर नहीं लगा रहा, बल्कि ख़ास टेक्निक से पुरानी ट्यूब को जो बिल्कुल नकारा हो जाती है, जिन्हें हम फेंक देते हैं, या जब आप ट्यूब वगैरह बदलाते हैं तो वो ट्यूब वगैरह दुकानदार या कारीगर रख लेता है, वो चीज़ें दोबारा इस किस्म के दोस्तों के पास आती हैं। जिसमें मैं ये गुजर रहा था खानेवाल से, ये सेटअप एक नज़र आया, मैंने कहा चले वीडियो बना के एक इंफॉर्मेटिव मालूम आती है कि काम होता किस तरीके से है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको बीच में नज़र आ रही बड़ी ट्यूबें भी पड़ी हुई हैं और ये छोटी ट्यूबें भी पड़ी हुई हैं। अभी मैं दोस्त से कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मसला ये है कि बिजली गई हुई है, और अगर मैं बिजली का इंतज़ार करूँ तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो आगे चल के आपको मुकम्मल यानी प्रोसेस इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ट्यूब को यानी हवा भर के चेक कर लिया जाता है, जिस जगह पर पंचर हो या कोई सुराख हो गया, पंचर छोटा है पंचर बड़ा है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। ऐसी ट्यूब जो बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं है नकारा, उसे फेंक दिया जाता है। तो उसके बाद इस मशीन पे आके उसे फिनिशिंग दी जाती है, यानी पंचर वगैरह लगा उसे साफ़ किया जाता है। तो अगला प्रोसेस किस तरीके से होता है मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। अब जिस तरह ये आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये काफ़ी बड़ा पंचर है, तो इसकी ये पहले फिनिशिंग होगी। अच्छा, ये जो मटीरियल आपको नज़र आ रहा है इसे कंपाउंड कहते हैं, भाई से मेरी अभी बात हुई थी, तो इसे वो ख़ास तरीके से ऊपर लगाएंगे। अगला सारा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो आपने सर मुकम्मल देखनी है। ये थोड़ी सी पहले सॉल्यूशन लगा लें, तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये कंपाउंड लग गया, अभी इसी ट्यूब अच्छा ये इस मशीन पे अभी जिस तरह बच्चा भी काम कर रही है, ट्यूब मैंने अभी साइड पे रख दी है, इसका प्रैक्टिकल अभी आपको करके दिखाते हैं। थोड़ा सा इस मशीन के बारे में बता दूं कि बेसिकली जिस तरीके से होता है, ये डबल जैकेट है कि नीचे एक टैंकी नज़र आ रही है, ये सिलेंडर पड़ा हुआ है, और अगर आप गौर से देखें तो वो सामने एक बर्नर लगा हुआ है। अब इसमें सीन क्या है कि टैंकी के अंदर पानी है, पानी गर्म होगा, भाप बनेगा, और ये ऊपर जो आपको एक शीट नज़र आ रही है ये गर्म हो जाएगी उस भाप की मदद से। यानी ये जो टम्परेचर नज़र आ रहा है आपको नीचे आग नज़र, या आप देख रहे हैं बर्नर, ये डायरेक्ट गर्म नहीं करेगी इस ऊपर वाली शीट को, पहले ये ऐसा गर्म इसमें पानी है, और उसके प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ये देखें ये मीटर वगैरह भी लगा हुआ है, इस पर भी 9 bar का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जब वो देखते हैं ये प्रेशर ज़्यादा हो गया है भाप का तो वो नीचे बर्नर को बंद कर देंगे। अब ये देखें जी, ये वही जो थोड़ी देर पहले आपने दोबारा उससे सॉल्यूशन लगा देना है, और तकरीबन 1 minute आपने इस गर्म शीट के ऊपर इसे इस तरीके से प्रेस करके रख देना। और ये समझें कि आपकी एक नई ट्यूब तैयार हो रही है, यानी ये जो पंचर है वो, तो दोस्त से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे जब फॉर एवर ये ट्यूब किसी और जगह से तो फट सकती है, पंचर हो सकती है, लेकिन ये जो जोड़ हम लगा के दे रही हैं कभी लीक नहीं होगा। ये बाकी काम भी आप देख रहे हैं, तो ये टेक्निक्स होती हैं, आप इसे कह सकते हैं कि ये एक पंचर लगाया जा रहा है लेकिन अलग तरीके से, जिसके लीक होने का कोई खतरा नहीं है, कोई खदशा नहीं है कि वो लीक हो जाएगा या फट जाएगी ट्यूब वहाँ से दोबारा। तो अभी ये देखें जी, अभी देखते हैं जी क्या सबसे अलग दिखाएं जी, ये मैं करीब से दिखा देता हूँ जी, बस ठीक है। और ये भी क्योंकि अभी गर्म है, कुछ देर में ठंडी हो जाएगी, तो ये मुकम्मल इंशाल्लाह ये इस जगह से दोबारा लीक नहीं होने लगता। तो असल में सीन क्या होता है कि काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपने आइडियाज़ को फॉलो करना होता, और मेरे चैनल का भी मकसद ही होता है कि मैं अमूमन इस किस्म के आइडियाज़ शेयर कर रहा होता हूँ, राह गुजरते अगर कोई मुझे चीज़ ऐसी वैसी नज़र आ जाए।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो से ये भी पता चला कि जो चीज़ें हमारे लिए बेकार होती हैं, उन्हें बेकार समझ के हम फेंक देते हैं, उनका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इस्तेमाल मौजूद होता है। और मुसबत इस्तेमाल करके, अच्छे आइडिया काम करके लोग हज़ारों लाखों रुपये माहवार कमा रहे होते हैं।